नमस्कार दोस्तों, बहुत बार लोग कपड़े का एक नया व्यापार शुरू करने की बात करते हैं, साड़ी का एक नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो पहले से अगर वो जान ले तो फिर उनको समझ में आएगा कि ये बिजनेस को कितना बढ़ाया जा सकता है या इसके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है। ये सिर्फ एक नए बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बहुत बार जो लोग ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं वो भी इसी तरह के सवाल आ करके हमसे पूछते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कुछ चीज़ें जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग सवाल पूछते हैं, हमसे फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो कि एक नया साड़ी का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है या फिर वो पहले से किसी भी तरह का एक कपड़े का बिजनेस कर रहा है। तो सबसे कॉमन सवाल ये होता है नॉर्मली लोगों का कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा, अगर मैं 10,000 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ तो मैं उसमें कितना रुपया कमा पाऊँगा। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक साड़ी को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। अरे भाई देखिए, क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर 300% 400% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, बट फ्रैंकली कहूँ तो इतना नहीं होता, एक रीजनेबल हो जाता है। थोड़ा सा एक बार इस प्रोसेस को समझते हैं कि साड़ी एक्चुअली बनती कैसे है। सबसे पहली स्टेप, इसके अंदर रॉ मटेरियल जो कि एक वाइट कलर का ग्रे होता है वो खरीदा जाता है। ये रॉ मटेरियल खरीद करके मिल के अंदर प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी धुलाई होती है, फिनिशिंग होती है, इसको कम्प्लीटली प्योर वाइट कलर का बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाइट कपड़ा मशीन के अंदर डाला जाता है जहाँ पे ये कपड़े को हीट किया जाता है और साथ ही में इसको कलर किया जाता है। हीट होने के कारण जो कपड़ा 100 मीटर के लंप के अंदर था वाइट कलर का, वो 5 से 10% थोड़ा सिकुड़ जाता है और अब इसके अंदर साड़ी की प्रिंटिंग हो जाती है। ये भी हम कह सकते हैं कि 100 मीटर की साड़ी के लंप के अंदर लगभग 12 से 15 साड़ी के आसपास बन जाती है अगर हम लोग 6 मीटर की साड़ी प्रिंट कर रहे हैं। अब वापस से ये पूरा 100 मीटर का जो लंप रहा, अब ये प्रिंटेड हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब इसको वापस से शॉप में ला करके 6-6 मीटर की साड़ी कटिंग कर दी जाती है और जिस भी तरीके से इसको बेचना हो, चाहे सिंगल में या फिर कलर मैचिंग बना के या फिर कैटलॉग बना के, इसको आगे बेचा जाता है। अब इसमें भी दो प्रोसेस होता है, चाहे तो साड़ी को सिंपल बेचें या फिर अगर इसके ऊपर और कुछ काम करवाना है, जैसे लेस लगवाना है, स्टोन्स लगवाना है, किसी और तरह का कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाना है, ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद में ये वापस से जाएगा चरक होने के लिए, जहाँ पे इसकी घड़ी, फोल्डिंग, बैग के अंदर पैकिंग, ये सारा काम होगा। अब आपका ये पूरा कैटलॉग रेडी है बिकने के लिए। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ले करके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक जो जा रहा है उसकी बात करें तो इसके अंदर आराम से 200 से 300% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन अब क्योंकि ये जितने भी लोग डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को, सभी का 10-15, 5-10% कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो वो आराम से 10-15% का प्रॉफिट मार्जिन रखेगा क्योंकि उसको सारे खर्चे निकालने हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, रॉ मटेरियल मिल में जाने से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट बनकर आने तक, इन सब में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम भी लगता है। तो इसके अंदर इतना पैसा ब्लॉक भी हो रहा है, तो एक मैन्युफैक्चरर इन सब चीज़ों की कॉस्ट निकाल के चलता है। अभी अगर बात करें एक रिटेल बिजनेस के अंदर आपके लिए, तो इसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ लगभग रिटेल बिजनेस के अंदर 30 से लेकर 70% तक का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन है। अब ये मार्जिन अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकता है। अगर आप एक घर से काम कर रहे हैं तो सीधी बात है आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा क्योंकि लोग शोरूम के वैल्यू ज़्यादा करेंगे और घर पे अगर आप सामान रखकर कर रहे हैं तो थोड़ा कम करेंगे, तो वहाँ पे आपको आराम से लगभग 30-40% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। लेकिन अगर वही सामान आप एक शोरूम में रखकर कर रहे हैं, दुकान खोलकर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप 70-80% तक का भी मार्जिन रख सकते हैं, 50 से 70 का मैं कहूँगा एक रीजनेबल मार्जिन मिल जाता है। अब इसमें कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे कोई भी पीस में बेचूं, सबके अंदर 200 रुपये कमाने हैं। अब ये जो लॉजिक लोग लगाते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि 1000 के ऊपर अगर आप 200 रुपये कमा रहे हो, इसका मतलब आपने 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखा है। लेकिन वहीं अगर आप 200 रुपये की साड़ी के ऊपर 200 रुपये कमाने की सोचोगे, तो वहाँ पे आपने 100% का मार्जिन सोचा है।
तो ये एक गलती होती है जो कि नॉर्मल एक रिटेल व्यापारी जो एक नया काम शुरू कर रहा है वो कर देता है कई बार। तो नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, एक एब्सोल्यूट राउंड फिगर नहीं लेकर के परसेंटेज के अंदर हमेशा प्रॉफिट को कैलकुलेट करें कि अगर आप एक 500 रुपए की साड़ी बेच रहे हैं तो उसके ऊपर आप 30% मतलब 150 रुपए का लगभग एक एवरेज प्रॉफिट रखेंगे। इससे आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में और अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा है, कितना रिटर्न आ रहा है, इन सब चीजों का हिसाब किताब रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन जो कि लोग बहुत बार पूछते हैं या जिसमें गलती करते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड करने में। ग्राहक के लिए आप कितनी प्राइस सेट करेंगे, जैसे अगर आप 500 रुपए की एक साड़ी ला रहे हैं तो आप अपने ग्राहक को कितने में बेचोगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने 500 रुपए का साड़ी का वैल्यू पहले उसको 1000 रुपये बोल दिया और फिर कस्टमर अगर डिस्काउंट करवाता है तो फिर उसको आप बोल दोगे कि ठीक है 100 रुपये डिस्काउंट कर दो, कोई से 200 रुपये डिस्काउंट कर दो। अगर इस तरह की पॉलिसी के ऊपर आप काम करेंगे जहां पर हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग आपने प्राइस रखी है, तो यहां पे आप कभी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी अपनी दुकान छोड़ करके फ्री होकर के बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे के अंदर कोई फिक्स प्राइसिंग पॉलिसी नहीं है। यहाँ पर आपके कस्टमर धीरे धीरे करके टूटने लगेंगे, क्योंकि अगर कोई एक ग्राहक एक साड़ी लेकर गया, उसके ऊपर आपने 300 रुपये कमाए और उसी के बाजू में उसी के कोई रिश्तेदार, उसी के कोई दोस्त अगर वापस से आपसे साड़ी लेने आए और उससे अगर आपने 400 रुपये कमाए, तो पहले वाले ग्राहक ने अगर दूसरे वाले को ये बता दिया कि मुझे 100 रुपये सस्ता पड़ा था, तो दूसरा वाला ग्राहक आपके पास में कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट ये 4 लोगों को और जा करके बोलेगा कि यहाँ पर ठगी हो जाती है, ये आपको महंगा माल बेचते हैं। इसकी जगह एक फिक्स पॉलिसी रखिए, एक फिक्स प्राइस सबके लिए रखिए, डिस्काउंट रखिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे देश के अंदर लोगों की ये मानसिकता है कि अगर डिस्काउंट होता है तो लोगों को लगता है कि मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दिया है, मुझे सस्ता मिला है। लेकिन इसके अंदर भी डिस्काउंट की पॉलिसी सबके लिए बराबर रखिए। अगर कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई भी हो, सबके लिए अगर एक ही पॉलिसी रहेगी तो ग्राहक का विश्वास आप जीत पाएंगे। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो इस चीज़ के अंदर, क्योंकि लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं होती, वो हमेशा नेगोशिएशन चाहते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ महीने या एक आध साल के अंदर आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी कि यहाँ पर सबके लिए एक ही जैसा काम है, किसी के लिए कोई चीटिंग नहीं है, सब एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। तो क्या तो आप हमेशा फिक्स रेट रखिए या फिर फिक्स रेट के साथ में फिक्स डिस्काउंट उसके अंदर सबके लिए तय कर दीजिए। एक और सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि एक्चुअली इस बिजनेस को शुरू कितने रुपए से करना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली तो आपको एक पार्सल के आसपास सामान रखना चाहिए, करीबन 15-20 हज़ार रुपये के आसपास आपको सामान शुरू में खरीद कर रखना चाहिए। उसके अंदर आपको अलग अलग रेंज के कैटलॉग, जैसे 200 रुपये के आसपास, 300 रुपये के आसपास, 500 रुपये के आसपास, इस तरह से 3-4 अलग अलग कैटलॉग और रेंज रखने चाहिए। इससे कस्टमर को आप वैरायटी दिखा पाओगे और आपको समझ में आएगा कि आपके एरिया में आपका कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा खरीदना चाहता है, और यही चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आने वाले समय में आपको किस चीज़ का ज़्यादा स्टॉक रखना है। हाँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत डेड स्टॉक का रिस्क होगा, लेकिन ये आपको लेना पड़ेगा और उस चीज़ को आप थोड़े समय में कम प्राइस पे या कम प्रॉफिट करके भी बेच सकते हैं, सेल में निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हमारी कंपनी इस तरह की वेबसाइट बना करके देती है जिसके अंदर लाखों रुपए का सामान, हजारों कैटलॉग उसके अंदर हम लोग लिस्टिंग करके देते हैं, आपको खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये रेकमेंड करूंगा ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन करो, 20-25 हज़ार रुपए का सामान भी रखो और साथ में हमारे से वेबसाइट भी बनवा लो। अब फायदा ये है कि आपका कस्टमर जब आ रहा है तो आप उसको वेबसाइट भी दिखा दो, प्रोडक्ट पहले आपके उसने शॉप पे देख लिए, आपके घर पे देख लिए, जहाँ पे भी आप बेच रहे हो, और बाकी का आपने उसको अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया, वो दिखा दिया। अब कस्टमर अगर उसमें से कुछ सिलेक्ट कर रहा है तो वो भी कुरियर करवाया जा सकता है। उसमें से भी आप डायरेक्टली, जैसे मान लो एक कैटलॉग के अंदर 10 पीस है, अब 10 में से आपको लग रहा है कि अलग अलग कस्टमर ने अलग अलग 6 पीस सिलेक्ट कर ली, अब वो कैटलॉग आप मंगवा लो, क्योंकि 6 तो बिक चुकी है, बाकी 4 किसी न किसी को बेच ही लेंगे। तो कम रिस्क के अंदर ज़्यादा काम किया जा सकता है और बहुत रीजनेबल कॉस्ट में ये हो जाता है। इसके लिए आप हमसे इंक्वायरी ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके मन में इसी तरह के और भी सवाल आते हैं कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों के जवाब भी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से जो एक कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, ताकि उनको भी शायद कुछ इसमें सीखने के लिए मिल जाए। ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहें, उसके लिए अभी सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए।